हेलो फ्रेंड्स, वैशालीस क्रोशे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रोशिया से ब्यूटीफुल पिकॉट स्टिच बनाना सीखेंगे। दो टाइप से हम इसे बनाएंगे, एक स्लिप स्टिच मेथड से हम इसे बनाएंगे और दूसरा सिंगल क्रोशे यूज़ करके हम इसे बनाएंगे। ब्यूटीफुल ऐसा पिकॉट एजिंग आज हम बनाना सीखेंगे। यहाँ पर हमने डबल क्रोशे के टू रोज बनाए हैं, बेस बना लिया हमने। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच मेथड से इसे बनाएंगे। इस पिकॉट स्टिच को चेन वन करेंगे, टर्न करेंगे, फर्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे और अब यहाँ से पिकॉट बनाएंगे। टू थ्री या फोर चेन का आप पिकॉट बना सकते हैं। हम यहाँ पे चेन थ्री करेंगे, चेन थ्री का पिकॉट बनाएंगे। अब यहाँ पे हम फर्स्ट चेन पर चेन में से हुक को पास करेंगे और लूप को पुल कर लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह छोटा सा सर्कल बना लिया हमने। नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, इस तरह फर्स्ट पिकॉट हमने बना लिया। नेक्स्ट स्टिच पर भी सिंगल क्रोशे करेंगे। एक सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस रखेंगे दो पिकॉट्स के बीच में। आगे चेन थ्री करेंगे, फर्स्ट स्टिच में से हुक को पास करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे इस तरह छोटे छोटे सर्कल्स बनाते जाएंगे चेन थ्री के, स्लिप स्टिच करेंगे। टू पिकॉट्स बना लिए हमने। नेक्स्ट स्टिच पर भी सिंगल क्रोशे करेंगे, स्लिप स्टिच यूज करके हम इस तरह पिकॉट बना सकते हैं। चेन थ्री करेंगे और फर्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच करेंगे, छोटा सा सर्कल बना लेंगे। नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट पिकॉट स्टार्ट करेंगे। चेन थ्री, फर्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच। इसी तरह हम पिकॉट बना सकते हैं और इसकी एजिंग बनाएंगे बहुत सुंदर ऐसी। नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, चेन थ्री करेंगे, फर्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे। यहाँ से न्यू पिकॉट बनाएंगे। इस तरह स्लिप स्टिच मेथड से हमने पिकॉट बनाना सीखा। बहुत सुंदर लग रहा है छोटा छोटा पिकॉट। अब स्लिप स्टिच की और एक मेथड है, इस तरीके से भी आप इसे इन पिकॉट्स को बना सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, चेन थ्री करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट चेन पर नहीं तो इस फ्रंट लूप में हमें हुक को पास करना है। हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे इस तरह। नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे। यहाँ पे चेन थ्री करेंगे, फ्रंट लूप में हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे। इस तरह हम फ्रंट लूप में
स्लिप स्टिच करेंगे इस मेथड में। इस तरह से भी आप पिकॉट बना सकते हैं। अगेन चेन थ्री, चेन थ्री करेंगे फ्रंट लूप में, हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, अगेन चेन थ्री करेंगे फ्रंट लूप में, हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह बनाया हुआ पिकॉट सर्कुलर और बहुत सुंदर लगता है। इसका शेप और भी सुंदर सर्कुलर बनता है, जबकि फर्स्ट वाला पिकॉट ट्रायंगुलर लग रहा है। थोड़ा शेप में डिफरेंस लग रहा है दोनों पिकॉट्स के। इसी तरह हम बाकी के पिकॉट्स भी बना लेंगे। चेन फोर करेंगे फ्रंट लूप में, हुक को पास करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट टू स्टिचेस पर सिंगल क्रोशे करेंगे, लास्ट वाला पिकॉट बनाएंगे यहाँ पे, लास्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे। इस तरह हमने ये ब्यूटीफुल बॉर्डर बना ली। इसी तरह आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप पिकॉट्स के एजिंग को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिकॉक फेदर का ये इयररिंग्स बनाया था, इसके एजिंग में हमने इन पिकॉट्स का यूज़ किया है, बहुत सुंदर लग रहा है इससे। इसी तरह आप अलग अलग प्रकार के इयररिंग्स बना सकते हैं। सेकंड मेथड सीखेंगे हम। यहाँ पे हमने टू रोज बना लिए हैं डबल क्रोशे के, सेकंड मेथड बनाएंगे, चेन वन करेंगे, टर्न करेंगे वर्क को, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे। इस तरीके से भी आप पिकॉट बना सकते हैं। सिंगल क्रोशे का मेथड है ये। चेन थ्री करेंगे फ्रंट लूप में, हुक को पास करेंगे, इस तरह लूप को पुल कर लेंगे। अभी यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं करेंगे हम, दोनों लूप्स में से लूप को निकाल लेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टू स्टिचेस पर सिंगल क्रोशे करेंगे, अगेन चेन थ्री करेंगे फ्रंट लूप में, हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट टू स्टिचेस पर सिंगल क्रोशे करेंगे, अगेन चेन थ्री फ्रंट लूप में, हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे, हुक पर लूप लेंगे और दोनों लूप्स में से निकाल लेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। इस तरह से भी आप पिकॉट बना सकते हैं। नेक्स्ट टू स्टिचेस पर सिंगल क्रोशे करेंगे। इस टाइप का पिकॉट थोड़ा साइज में बड़ा होता है और बहुत सुंदर लगता है। ये भी राखी मेकिंग में भी हमने इसका यूज़ किया था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं पिकॉट्स का यूज़ करती हूँ। अगेन चेन थ्री, आप चेन थ्री की बजाय चेन टू या चेन फोर भी कर सकते हैं। मोस्टली हम चेन टू या चेन थ्री का ही पिकॉट बनाते हैं। इसी तरह हम चेन थ्री करते जाएंगे, फ्रंट लूप में हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे, हुक पर लूप लेंगे और दोनों लूप्स में से निकाल लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट टू स्टिचेस पर इसी तरह पिकॉट बना लेंगे। पिकॉट की बॉर्डर बहुत सुंदर लगती है, किसी भी ड्रेस पर आप इसे, ड्रेस के आस्तीन पर या बॉर्डर पर आप इसे बना सकते हैं। चेन थ्री करते जाएंगे और फ्रंट लूप में से सिंगल क्रोशे करेंगे। बहुत इजी एंड ब्यूटीफुल
ऐसी स्टिच है, कोई भी इसे बना सकता है, बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इससे आप हैंकरचिप को भी बॉर्डर बना सकते हैं। छोटे छोटे टाइनी सर्कल्स यहाँ पर हम बना रहे हैं चेन थ्री के, कटवर्क जैसा डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है। इसी पीकॉट्स की एजिन हमने इस पाउच को भी बनाई थी जो बहुत पॉपुलर हुआ, सबने बहुत इसे पसंद किया। और पीकॉट स्टिच वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी। इस तरह आप लीप भी बना सकते हैं इसकी मदद से। यहाँ पे हमने दोनों तरफ से 12 डबल क्रोशे बनाए हैं मैजिक रिंग पर, और उसके बीच में पिकॉट बनाया है। लीप का कॉर्नर दिखाने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पिकॉट की वजह से यहाँ पे एक कॉर्नर तैयार हुआ है, इसे लीप का शेप आया है। इसी तरह फ्लावर के पेटल्स बनाने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चेन थ्री करेगी, फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच करेगी और नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेगी। इसी तरह आप पिकॉट स्टिच को छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने के लिए, उसकी पेटल्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चेन थ्री और यहाँ पे फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच और नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे। इसी तरह पेटल्स बनाकर हम फ्लावर बना सकते हैं। इसी तरह हमने राखी भी बनाई थी। पिकॉट्स का यूज़ करके आप छोटे फ्लावर्स भी बना सकते हैं और इस तरह के बड़े फ्लावर्स भी बना सकते हैं और लीफ भी बना सकते हैं। इसी तरह आप अलग अलग मेथड से पिकॉट्स बना सकते हैं और अपने चीज़ों को और भी सुंदर बना सकते हैं एजिंग से, पीकॉट्स की एजिंग बनाकर। इस तरह आज हमने स्लिप स्टिच मेथड से पीकॉट बनाना सीखा क्रोशिया से, और एक मेथड से सिंगल क्रोशे से भी चेन थ्री सिंगल क्रोशे करके ये ब्यूटीफुल पीकॉट्स बनाना सीखा। ब्यूटीफुल पीकॉट्स की एजिंग आप हैंकरचीफ पर, ड्रेसेस के स्लीव्स पर, बैग्स पाउचेस पर भी इसे बना सकते हैं और अपनी ड्रेसेस या स्लीव्स की ब्यूटी बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने आज अलग अलग तरीके से ब्यूटीफुल पीकॉट्स की एजिंग बनाना सीखा। स्लिप स्टिच से भी हमने दो तरीके से इसे बनाया और सिंगल क्रोशे से, चेन थ्री सिंगल क्रोशे, इस तरीके से भी हमने इसे बनाया। आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैंने ये पिकॉट्स की वीडियो बनाई। नेक्स्ट कौन सी स्टिच आपको सीखनी है ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।